बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी डिश है सैंडविच। यहाँ पर मैंने ब्रेड की 4 स्लाइसेस ली हैं और इस पर हम लगाएंगे केचप एंड मेयोनीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मैंने ब्रेड का पीस लिया, उसके अंदर हम लगाते हैं केचप। ये मैंने केचप लगा दी है एंड इसको हम स्प्रेड करते हैं स्पून से। एंड आप भी आप जैसा मर्जी सैंडविच बना सकते हैं। अगर आप खट्टे सिर्फ मेयोनीज हो तो मेयोनीज से बना सकते हैं और जैम से भी बना सकते हैं। और अब हम सेकंड पीस लेते हैं। तो सेकंड पीस हमने ले लिया, इसमें हम लेयर लगाएंगे मेयोनीज की। तो ये रहा मेयोनीज। अच्छी तरह स्प्रेड हो रहा है एंड हमारा सेकंड पीस जो है वो हम दोबारा से केचप का करते हैं। तो बहुत अच्छा और डिलीशियस बनेगा। तो ये मैं थोड़ा अलग टाइप का सैंडविच बना रही हूँ। तो ये बन चुका है एंड हमारा सेट कर। ये देखिए हमारी डिश बन चुकी है, बहुत ज़्यादा यमी एंड इजी। अब आते हैं हम अपनी सेकंड डिश में, और सेकंड डिश में हम बनाएंगे फ्रूट चाट। तो उसके लिए हमें जो मैंने फ्रूट्स में लिया मैंगो, ये एप्रिकॉट मतलब खुबानी, एंड ये मैंने लिया है बनाना। और इसके लिए चाहिए हमें शुगर, और ये है सॉल्ट, एंड ये है चाट मसाला। तो अब हम बनाते हैं इसको, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा बाउल है इसके अंदर हम थोड़ी देर शुगर डालेंगे। तो हम इसके अंदर 2 स्पून शुगर डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से डालें शुगर, मैंने अपने हिसाब से डाली है शुगर, और आप जैसा आपको टेस्ट पसंद है तो आप उस तरह शुगर डालिए। और अब हम इसमें डाल दें थोड़ी सी सॉल्ट। ये मैंने थोड़ी सी सॉल्ट डाल दी है, और अब हम डाल दें इसमें चाट मसाला। तो हमने चाट मसाला भी डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करते हैं। पहले अब इसके अंदर हम अपने फ्रूट्स डालते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं इस पर मैंगो। ये भी मैं थोड़ी बना रही हूँ, आप जो ज़्यादा भी बना सकते हैं। और अब इसके बाद है एप्रिकॉट खुबानी मतलब, हमारी लास्ट फ्रूट ये है बनाना। आप अपनी मर्जी फ्रूट डाल सकते हैं जो आपके घर में हो, आप ग्रेप्स भी डाल सकते हैं। तो ये हमने अपने फ्रूट्स डाल दिए हैं और हम अच्छी तरह इसको हम मिक्स करते हैं ताकि वो सारे फ्रूट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए। एंड इसके अंदर मैंने 3 फ्रूट्स लिए, आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, 4-5 जितने भी लेने ले सकते हैं। अब ये देखिए ये हमारी फ्रूट चाट एकदम रेडी हो गई है। तो अब हम आते हैं अपनी थर्ड रेसिपी पर। अगर हमें कुछ पीने के लिए भी चाहिए होता है तो हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा। आप जो मर्जी बना दें, टैंक कोई मिल्क शेक जूस बनाए, मेरे पास रूह अफ़ज़ा है, मैं रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ। चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका कैप ओपन करते हैं। तो इसका कैप ओपन हो गया है, और सबसे पहले हम इसके अंदर डालते हैं शुगर। आप जैसे मर्जी डालें आपके टेस्ट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर 2-3 स्पून डाली, 2.5 स्पून मैंने यहाँ पर शुगर डाल दी है। अब हम इसको मिक्स करते हैं स्पून से अच्छी तरह ताकि जो शुगर है नीचे ना रह जाए और हमें टेस्ट अच्छी तरह है। एंड आप कैन भी बना सकते हैं, जो भी आपके घर में
अब हम इसके अंदर डालते हैं हमारा रूह अफ़ज़ा। इतना ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि हमने शुगर भी बहुत ज़्यादा डाली है, तो बस थोड़ा सा डाल देते हैं। बस हमने इतना रूह अफ़ज़ा डाल दिया, आप भी रूह अफ़ज़ा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके एक और दफ़ा इस तरह हम मिक्स कर देते हैं। एंड हमारा जो रूह अफ़ज़ा है वो एकदम रेडी हो गया है। आपको मेरी डिशेस कैसे लगी प्लीज़ मुझे बताएं, और आप ये सब कुछ बना सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी ब्रेड सैंडविच, ये फ्रूट चाट एंड ये हमारी ड्रिंक रूह अफ़ज़ा।